अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम एमवीसी से रिलेटेड लेक्चर सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो अपना बेस्ट नॉलेज है वो आप तक कन्वे कर सकूं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एमवीसी क्या है और इसका वर्क कैसे होता है या इसका फ्लो कैसे होता है। आज की टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में मुख्तलिफ डेवलपर जो हैं वो मुख्तलिफ डिजाइन अप्रोच के थ्रू अपने प्रोजेक्ट का लेआउट डिजाइन करते हैं। इन पैटर्न्स में से मोस्ट पॉपुलर पैटर्न्स एमवीसी है, जो कि मॉडल, व्यू और कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। इस पैटर्न का मकसद वाइड एप्लीकेशंस को मखसूस सेक्शन में डिवाइड करना है, जिसमें हर एक सेक्शन का अपना रोल होता है। चलें हर सेक्शन के इलस्ट्रेशन के लिए हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक यूजर जब मखसूस पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर इस रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन के बेस पर मखसूस कंट्रोलर को उस रिक्वेस्ट को सेंड करता है। ये कंट्रोलर क्लाइंट की इंटायर रिक्वेस्ट को हैंडल करने का रिस्पॉन्सिबल होता है कि रिक्वेस्ट पर क्या प्रोसेस करना है। कंट्रोलर दरअसल मॉडल और व्यू में एक मिडलमैन का किरदार अदा करता है। जैसे ही सर्वर पर रिक्वेस्ट रिसीव होती है तो वो उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड कंट्रोलर को कॉल करता है। कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड मॉडल को कॉल करता है ताकि उससे डाटा इंफॉर्मेशन की बेस पे लिया जा सके। मॉडल सेक्शन जो होता है वो तमाम लॉजिक डाटा को हैंडल करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब है कि मॉडल डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है और डाटा की इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन और वैलिडेशन को हैंडल करता है। और मजीद ये कि कंट्रोलर जो है वो रिक्वेस्ट की बेस पर तमाम डाटा मॉडल से हासिल करता है और देखता है कि डाटा के साथ क्या करना है। कंट्रोलर कभी भी डाटा लॉजिक को हैंडल नहीं करता। और जो मॉडल है इसका रिक्वेस्ट की फेलियर या सक्सेस से कोई कंसर्न नहीं होता। ये तमाम अमल कंट्रोलर एंड पर होता है। मॉडल सिर्फ डाटा बेस से इंटरेक्ट करता है। जब मॉडल कंट्रोलर को रिस्पांस वापस सेंड करता है तो यूजर को डाटा रेंडर करने के लिए कंट्रोलर व्यू के साथ इंटरेक्ट करता है। व्यू सिर्फ इस एक्शन का रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो इन्फॉर्मेशन इसको कंट्रोलर से मौसूल हुई है इसको किस तरह प्रेजेंट करना है। इट मींस के व्यू एक टेम्पलेट फाइल है जो एचटीएमएल डायनेमिकली रेंडर करता है और इस डाटा को प्रेजेंट करता है। व्यू अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन कंट्रोलर को वापस सेंड कर देता है और कंट्रोलर प्रेजेंटेशन को हैंडल करते हुए वापस यूजर को रिस्पॉन्स के तौर पर सेंड कर देता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है, मॉडल और व्यू कभी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। कोई भी इंटरेक्शन जो है वो मॉडल और व्यू में थ्रू कंट्रोलर होती है। कंट्रोलर का मॉडल और व्यू में होने का मतलब है कि डाटा की प्रेजेंटेशन और लॉजिक ऑफ डाटा अलग होती है, जो कि कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए बहुत इजी बनाती है। इस तमाम अमल को इलस्ट्रेट करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि ये डिजाइन रिक्वेस्ट को किस तरह हैंडल करता है। फर्ज करें एक यूजर फ्लावर की लिस्ट हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है। सर्वर इस रिक्वेस्ट को कंट्रोलर को सेंड करेगा जो फ्लावर से एसोसिएट होगा और कंट्रोलर इसको फ्लावर से रिलेटेड या एसोसिएटेड मॉडल को सेंड करेगा। मॉडल फ्लावर की तमाम लिस्ट कंट्रोलर को वापस सेंड करेगा। अगर मॉडल से सक्सेसफुल रिस्पांस आता है तो कंट्रोलर फ्लावर से एसोसिएटेड व्यू को कॉल करेगा और उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा प्रेजेंटेशन के लिए। व्यू कंट्रोलर से फ्लावर की लिस्ट लेगा और इस लिस्ट को एचटीएमएल में रेंडर कर देगा ताकि ब्राउजर इसको रीड कर सके। फाइनल प्रेजेंटेशन को व्यू कंट्रोलर के पास वापस सेंड कर देगा। कंट्रोलर यूजर को वापस रिस्पॉन्स करेगा जहां से उसको रिक्वेस्ट मौसूल हुई थी। दूसरे केस में अगर मॉडल की तरफ से कंट्रोलर को एरर रिस्पॉन्स शो होता है तो कंट्रोलर जो है वो एरर से रिलेटेड या एरर से एसोसिएटेड व्यू को कॉल करेगा और एरर की प्रेजेंटेशन के लिए उसको लिस्ट फ्राहम करेगा। कंट्रोलर की जानब से दी गई लिस्ट को एचटीएमएल में रेंडर करके वापस कंट्रोलर को सबमिट कर देगा और कंट्रोलर जो है इस एरर को दोबारा यूजर के पास शो करवा देगा। हमने यहाँ देखा कि मॉडल तमाम डाटा हैंडल करता है, व्यू जो है वो डाटा की प्रेजेंटेशन को हैंडल करता है, जबकि कंट्रोलर ये देखता है कि मॉडल और व्यू ने क्या करना है। उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल सी एग्जाम्पल से एमवीसी क्या है उसका वर्क फ्लो समझ में आ गया होगा। मजीद मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।